हेलो दोस्तों, लो जी फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है क्विक वर्ड्स। और दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब एक महीना समथिंग कुछ हो गया उस वीडियो को बनाए हुए, और जहां पर मैंने कहा था कि बीसीसीआई, जो कि वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट बोर्ड अगर हम कहें, क्रिकेट बोर्ड कहें तो गलत नहीं होगा, उसको नेपाली क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा मैंने एक वीडियो बनाया था। आप यहाँ पे कहीं आपको आई बटन मिल जाएगा, जहां पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने इसी के तहत मैंने मैंने बताया था कि भाई अफगानिस्तान एक टीम जो कि इतनी अच्छी बन पाई है, आज के टाइम में इतना अच्छा खेल रही है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो मिला है वो बीसीसीआई का है, इंडियन बोर्ड का है, ठीक है। और उसके खेल में जो इतनी बढ़ोतरी हुई है, वो मतलब सीधे तौर पर अगर इंडिया हेल्प नहीं करता तो शायद अफगानिस्तान टीम का इस स्टेज पे आना, इस तरह से खेलना आज के टाइम में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जिस तरह के स्टेडियम, जिस तरह का सपोर्ट अफगानिस्तान क्रिकेट को चाहिए था, उसी टाइम में इंडिया के द्वारा मदद दी गई उनको, ये सारी चीजें उनको प्रदान की गई, और जिसकी वजह से हम देख सकते हैं आज में वर्ल्ड लेवल पर अफगानिस्तान अपना खेल दिखा रहा है और बहुत बेहतरीन दिखा रहा है दोस्तों, और बड़ी बड़ी टीमों को चकमे दे रहा है, बड़ी बड़ी टीमों को हरा के दिखा रहा है। नो डाउट आज के टाइम में अफगानिस्तान टीम बहुत ही आगे है दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें नेपाल की, क्योंकि नेपाल और अफगानिस्तान ने क्रिकेट हम कहें एक साथ ही कुछ स्टार्ट किया था, और एक ऐसा टाइम था जब नेपाल अफगानिस्तान को रेगुलरली हराया करती थी। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में अफगानिस्तान काफी आगे है, और अब जाके नेपाल सही ट्रैक पे आ रही है, और इस सही ट्रैक में आने पर, और 2023 ऐसा ईयर था जहां पर नेपाली क्रिकेट को एक पहचान काफी ज्यादा मिल पाई दोस्तों, क्योंकि इससे पहले अच्छा खेल रहे थे, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड स्टेज पे वो इतना ज्यादा अप फ्रंट नहीं आकर कर पा रहे थे। लेकिन जो बीता हुआ 2023 था दोस्तों, वो एक तरह से हम कह सकते हैं अभी तक का नेपाली क्रिकेट टीम के लिए सबसे अच्छा ईयर गया दोस्तों। तो अभी एक और गुड न्यूज आ गई, और 2024 जैसा हम चाह रहे थे, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रिकेट के लिए और ज्यादा अच्छा होगा, और ऐसे ही गुड न्यूज के साथ में ये स्टार्ट हुआ है। भारत के विदेश मंत्री, भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री एस जयशंकर नेपाल में आए हुए थे, और नेपाल में आकर उन्होंने एक मीटिंग रखी नेपाली क्रिकेट टीम से, जहां पर रोहित पौड़ेल और उनकी टीम वहां पर गई, उनको बुलाया गया, और उनको बुलाकर उनकी प्रशंसा की गई, और उनके खेल के बारे में काफी ज्यादा बातें हुई, उनको बधाई दी गई कि वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी मीटिंग में उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि नेपाल की, भारत जिस तरह से भी हो सकता है उस तरह से उनकी मदद करेगा भारत। जैसा कि नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अभी, वैसे बहुत सारे जो मैदान है वो बनाए जा रहे हैं और प्रोसेस में है, और बात करें ट्यूब की, बात करें मूल पानी की, बात करें तो यहाँ पर भी काफी जो सुख सुविधाएं हैं, जो जिस तरह की फ्लड लाइट की बात करें, या इसका जो गुणस्तर है वो बढ़ाने की बात चल रही है, और हो भी रहा है, काफी हद तक काम भी हुआ है, लेकिन अभी भी काम होना बहुत ज्यादा बाकी है। और इसी प्रोसेस में, ये प्रोसेस चलते हुए नेपाल को एक अच्छी खुशखबरी इंडिया की तरफ से आई कि इंडिया अपने जो ग्राउंड है उनको एज अ होम ग्राउंड नेपाल को दे रहा है, जो कि काफी ज्यादा मदद हो सकती है नेपाली क्रिकेट टीम के लिए, फ्यूचर के लिए, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कुछ हो, और आने वाले टाइम में इंडिया में जाके अगर खेलते हैं, नेपाल की टीम खेलती है, तो एक अलग सा एक एनवायरमेंट उनको मिल पाएगा, उनको दूसरे पिच में खेलने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो पाएगा, जितना ज्यादा ऐसे मैदान में खेलने का अवसर मिल पाएगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा नेपाली क्रिकेट के लिए, नेपाली पूरी टीम के लिए दोस्तों। और साथ में, जैसा कि इसके बाद में रोहित पौड़ेल ने भी इस पे खुशी जाहिर की और बहुत ज्यादा थैंक यू कहा एस जयशंकर का, कि जिस तरह का उन्होंने एक आमंत्रण दिया वो अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है, और बहुत ही ज्यादा उन्होंने कहा कि वो एक्साइटेड हैं कि जल्दी से जल्दी वो इन चीजों पे काम करें और नेपाली क्रिकेट टीम को वहां पे जाकर प्रैक्टिस करने का मौका मिले, खेलने का मौका मिले। मेरी तरफ से देखा जाए तो ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज है दोस्तों, और बहुत अच्छी न्यूज है। आपको क्या लगती है, आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी जरूर दबा देना दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो के साथ में मैं आता रहूंगा, आपसे मिलता रहूंगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर करते हुए जाइए दोस्तों। तो इसके साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना।